लोग मुझसे मिलने के लिए मांग कर रहे हैं वो ज्यादातर निवेशक लोग हैं, विश्व भर के निवेशक हैं, वो आना चाहते हैं, भारत में निवेश करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि आप निवेशकों को आकर्षित करने के लिए स्पष्ट नीति निर्धारित कीजिए, गुड गवर्नेंस का आश्वासन दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए उनको भरोसा दीजिए। हर राज्य एक तंदुरुस्त स्पर्धा में आगे आए, राज्य राज्य के बीच निवेशकों खींचने के लिए स्पर्धा होनी चाहिए, निवेशकों के लिए, ताकि उनके राज्य में निवेशक आएंगे, उनके राज्य के नौजवानों को स्थानीय रूप से अवसर मिलेगा, रोजगार का अवसर मिलेगा। नीतियों में परिवर्तन लाना चाहिए, तो ग्लोबल रिक्वायरमेंट के अनुसार नीतियों को राज्यों ने परिवर्तित करना चाहिए। लैंड की आवश्यकता है तो राज्यों ने लैंड बैंक बनानी चाहिए। गुड गवर्नेंस सिंगल पॉइंट पर काम करने के लिए राज्य जितने प्रोएक्टिव होंगे, जितने ज्यादा प्रयास करेंगे, जो निवेशक आ रहे हैं वो कभी भी वापस नहीं जाएंगे। सिर्फ भारत सरकार से काम होता नहीं है, राज्य सरकारों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट लगने वाला है उस राज्य में लगने वाला है, उसको हर राज्य के साथ रोजमर्रा का काम पड़ता है। और इसलिए मैं राज्यों से आग्रह करूंगा कि जब विश्व पूरा भारत की तरफ आकर्षित हो रहा है, विश्व पूरा भारत में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हो रहा है, तब ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारी पुरानी आदतें छोड़ करके स्पष्ट नीति के साथ हम आगे आए। देखिए, आपको परिणाम अपने राज्य में दिखाई देगा और आपका राज्य भी चमक उठेगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। साथियों, भारत अपनी बेस्ट क्वालिटी के लिए पहचानी जाए, ये बहुत जरूरी है। अब विश्व के लिए हमें डिजाइन ऑफ इंडिया का क्षेत्र, डिजाइन इन इंडिया, इस पर हमने बल देना है। हमें कोशिश करनी है अब इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनने चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनेंगे तब हमारी हर चीज को सहजता से मोहर लग जाएगी, और ये हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारी सेवा की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारे अप्रोच की क्वालिटी पर निर्भर करेगा। और इसलिए हमें क्वालिटी पर बल देकर के आगे बढ़ना है। हमारे पास टैलेंट है, डिजाइन के क्षेत्र में हम दुनिया को बहुत कुछ नया दे सकते हैं। डिजाइन इन इंडिया, इस आह्वान को लेकर के हमें अब आगे चलना है। डिजाइन इन इंडिया एंड डिजाइन फॉर द वर्ल्ड, इस सपने को लेकर के चलना है। मैं देख रहा हूं गेमिंग की दुनिया का बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हुआ है, लेकिन आज भी गेमिंग की दुनिया पर प्रभाव, खास करके उन खेलों को बनाने वाले लोग, प्रोडक्ट करने वाले लोग, विदेशी कमाई होती है। भारत के पास बहुत बड़ी विरासत है, हम गेमिंग की दुनिया में बहुत नई टैलेंट को लेकर के आ सकते हैं, विश्व के हर बच्चे को हमारे देश के बनी हुई गेमिंग की ओर आकर्षित कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि भारत के बच्चे, भारत के नौजवान, भारत के आईटी प्रोफेशनल्स, भारत के एआई के प्रोफेशनल्स, वे गेमिंग की दुनिया को लीड करें, खेलने में नहीं, गेमिंग की दुनिया में हमारे प्रोडक्ट पूरे विश्व में पहुंचने चाहिए, और पूरी दुनिया में हमारे एनिमेटर्स काम कर सकते हैं, एनिमेशन की दुनिया में हम अपनी दाग जमा सकते हैं, हम उस दिशा में काम करें। मेरे प्यारे देशवासियों, आज विश्व के अंदर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हर क्षेत्र में चिंता और चर्चा का विषय रहता है। भारत ने उस दिशा में काफी कदम उठाए हैं, हम विश्व को आश्वस्त करते रहे हैं, और शब्दों से नहीं अपने कार्यों से, प्राप्त परिणामों से हमने विश्व को आश्वस्त भी किया है और विश्व को आश्चर्यचकित भी किया है। हम ही हैं जिन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है, हमने रिन्यूएबल एनर्जी पर विस्तार किया है, हमने रिन्यूएबल एनर्जी को एक नई ताकत दी है। आने वाले कुछ वर्षों में हम नेट जीरो फ्यूचर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे याद है पेरिस अकॉर्ड में जिन देशों ने अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे, आज मैं लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों की ताकत दुनिया को बताना चाहता हूं।